नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, हम बात कर रहे हैं बॉटनी में झटपट सीरीज की, जो निःशुल्क बैच है, और ये 54 नंबर का शॉर्ट वीडियो है। लगातार एक शॉर्ट वीडियो रोज जा रहा है, यानी ये 54 नंबर का शॉर्ट वीडियो है। ये हम बात कर रहे हैं कंपोजिट फ्रूट, और कंपोजिट फ्रूट में देखिए, ये जो आपका डायग्राम बनाया है, ये सोरोसिस में कटहल बना दिया है, ये साइकोनस ये है, ये गूलर है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आपको पता है कि फ्रूट तीन प्रकार के होते हैं बिल्कुल शुरुआती दौर में, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट क्या होता है कि डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। जो फ्रूट कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता है वो कंपोजिट फ्रूट कहलाता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं किस पर, कंपोजिट फ्रूट। देखिए यहां हमने लिखा क्या, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट की हम बात कर रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट की। देखिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट में डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। ये किससे डेवलप करता है, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से। तो डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, और देखिए क्या होता है, इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स। क्या देखिए इसमें आपका पहला है सोरोसिस, और दूसरा देखिए है साइकोनस। तो पहला सोरोसिस और दूसरा साइकोनस। देखिए हम कंपोजिट फ्रूट की बात कर रहे हैं, हमने कहा डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, सोरोसिस एंड साइकोनस। हम सोरोसिस की बात करेंगे, हम साइकोनस की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे सोरोसिस की। पहला क्या देखिए, सोरोसिस की बात करेंगे। क्या देखिए, ये डेवलप फ्रॉम स्पाइक स्पैडिक्स एंड कैटकिन इनफ्लोरेसेंस। डेवलप फ्रॉम क्या हो गया, देखिए स्पाइक हो गया, स्पैडिक्स हो गया और कैटकिन हो गया इनफ्लोरेसेंस। और देखिए इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तीन एग्जांपल हैं। पहला देखिए आपका है आर्टोकार्पस इंटीग्री फोलिया। दूसरा है अनानास सटाइवस। और तीसरा इसमें है मोरस अल्बा। अब आपको देखिए पता है इसमें क्या, कि ये जो आपका है ये आर्टोकार्पस इंटीग्री फोलिया, इसे कहते हैं जैक फ्रूट। इसे क्या कहते हैं, जैक फ्रूट कहते हैं, मतलब ये कटहल है, कटहल। और ये देखिए आपका पाइन एप्पल है। उसे इंडिया के लोग अनानास कहते हैं अनानास को ही बोटेनिकल नेम लेके बुलाते हैं, इंडिया के लोग बहुत आगे हैं। ये आपका मलबेरी है, ये क्या है, मलबेरी है।
इसे सहतूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहतूत, इसे सहतूत कहते हैं। तो सोरोसिस में आ गया तीन, आपका क्या आ गया? कटहल आ गया, पाइनएप्पल आ गया और सहतूत आ गया। आर्टोकार्पस इंटीग्रिफोलिया, अनानास सटाइवस और मोरस अल्बा। अब देखिए आगे जो हम बात करेंगे वो है साइकोनस का, नंबर टू, वो है साइकोनस। साइकोनस क्या? देखिए इसमें डेवलप्स फ्रॉम हाई पेंथोडियम, हाई पेंथो, डेवलप फ्रॉम हाई पेन, हाई पेंथोडियम, हाई पेंथोडियम, डेवलप फ्रॉम हाई पेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, डेवलप फ्रॉम हाई पेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, हाई पेंथोडियम, हाई पेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। अब यानी आप समझ गए बेटा जी कि जहां हाई पेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस पाया जाएगा वहां साइकोनस फ्रूट पाया जाएगा, और हाई पेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता फाइकस में। तो देखिए एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा इसमें, आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले एग्जाम्पल इसमें है फाइकस, पाइकस कैरिका, पाइकस कैरिका। दूसरा है फाइकस रेलिजियोसा, रेलिजियोसा, फाइकस कैरिका, फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस, पाइकस बेंगा लेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। इसके बाद देखिए क्या इसमें आपका है, तो फाइकस कैरिका, फाइकस रिलिजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस और फाइकस ग्लोमिरेटा, फाइकस ग्लोमिरेटा, फाइकस ग्लोमिरेटा। अब देखिए क्या है इसमें आपका, ये आपका है फिग, इसे फिग कहते हैं या अंजीर कहते हैं, फिग या अंजीर कहते हैं। ये देखिए क्या है आपका, पीपल है, ये पीपल है। ये देखिए क्या है आपका, बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री है। और ये क्या है आपका, गूलर है, गूलर है। आप एक चीज यहां याद रखेंगे बेटा जी, हाई फाई साई, तो आप एक चीज यहां याद रखिएगा, क्या आप याद रखिएगा? हाई, फिर क्या देखिए, फाई, फिर क्या आप याद रखिएगा? साई, यस वाई। हाई से हाइपेंथोडियम, फाई से फाइकस, साई से साइकोनस। तो हाई फाई साई याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो आपका फाइकस बेंगालेंसिस से बनी बैनियन ट्री बरगद, इसको नेशनल ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, हिमाचल पीएससी और हरियाणा पीएससी, यूपीएचएससी, जीडीसी, यूपीएचएससी, यूपीपीएससी, जीडीसी और उत्तराखंड पीएससी, बॉटनी में आप मुझसे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।